अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। सबसे पहले तो आपको ये दो नजर आएंगे जिनकी स्क्रीन छूटी हुई। मिशु, व्हाई आर यू यूजिंग स्क्रीन? एक्सक्यूज मी, आई एम आस्किंग सेव द टाइम। ओके, तो ये देखना चार्ज हो गया, इसकी स्क्रीन साइड पे रख दो। 28% होगा। अच्छा चलो चार्ज होने दो, और एक काम करो कि प्लीज ये सारी चीजें उठा के ना तो वापस अंदर रखो, ठीक है? गाइस, ठीक है, आई गॉट द सोनिक फ्रॉम यस्टरडे। और गाइस, गो फॉर इट इन द रूम। I'm listening to music. मेरा बेटा कितना अच्छा हेल्प कर रहा है। आपने जो कल की वीडियो देखी है जिसमें मैंने बच्चों के लिए नाश्ता बनाया ना, उसी दिन का ये दोपहर का पार्ट है, ठीक है? तो ये सेम डे चल रहा है हमारा आफ्टरनून। मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि मैं बच्चों के साथ मॉल चली जाऊं, लेकिन आज तिहामी ने भी अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने जाना, तो फिर मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में जो है ना, ये बर्तन है धुले हुए और इनको समेट लूंगी। फिर इधर ये जो आपको देखने में एकदम से मैसी सा लग रहा है, ये मैसी नहीं है असल में, ये धुले हुए बर्तन है, ये समेट लूंगी। और बच्चों को जब नाश्ता बना के दिया, नाश्ता भी दोपहर में बन रहा होता है, तो उसके बाद के ये धोने वाले बर्तन है, ठीक है? ये धोने वाले बर्तन है, इनको मैं समेट लूंगी और मैं बना लूंगी लंच। ओके, तो ये मैंने खैर खा के रख लिया। मैंने जो है नाश्ता जो अर्ली मॉर्निंग किया हुआ था फजर के बाद, तो मैंने ऑरेंजेस खा के तो मेरा ये लंच हो गया था। तो ये सब चीज़ें मैं समेट लूँगी और बस उसके बाद फिर मैं खाना बना लूँगी। एक और काम भी है करने वाला इससे पहले कि मैं कुकिंग स्टार्ट करूँ। ये जो टिश्यूज़ है ना, मुझे टिश्यूज़ रखने हैं हर जगह बॉक्सेस के अंदर। जब तय और मिशी से स्क्रीन छुड़वा दी तो तय घर के काम करने लग जाता है मेरे साथ। तय बेटा जाके ना मुझे वहाँ से एक और भी हाँ वो बॉक्स भी दे दो, और मुझे ना बेडरूम में से भी बॉक्स ला दो। अच्छा, जो आपके रूम में टिश्यूज चाहिए और भी हैं? नहीं, वो हैं। आपके बाथरूम में टिश्यूज हैं? ये बॉक्सेस ना मैंने 2 साल पहले रमजान में तकरीबन, या शायद रमजान से पहले मैंने गिफ्ट मार्केट से लिए थे और अब तक बड़े अच्छे चल रहे हैं। आपको भी कहीं से लेना है जरूर लेना, बड़े प्यारे लगते हैं। रमजान भी आने वाला है अभी मार्च में इंशाल्लाह। कैसे टाइम गुजर गया था, हमें पता ही नहीं चला। भाग के मेरा बेटा एक टिश्यू बॉक्स ले आओ। ये देखा मेरा काम करने वाला बेटा। यार तय भूख लग रही है मुझे, खाना भी बना के दो। देखे अब मेरा बेटा आपके सामने मुझे खाना बना के देगा। क्या कर रहा है? आपका ग्लास धो रहा है आपके लिए। मेरा ग्लास धो रहा है। What are you doing? I just told you. Show me. क्लीनिंग भी कैसे कर रहा है ये देखें, पानी डाल के फिर निकाल देता है। मशीन है, आई गेस 7 times कर लिया, देखें वापस उधर रख के। वाओ, मम्मा विल बी सो हैप्पी। आपका ग्लास धो के फिर से सिंक में लगा दिया। 2-3 दफा पानी डाला फिर निकाल के, मतलब पानी निकाल दिया फिर पानी भरा फिर निकाल दिया और फिर वही रख दिया। तय जाओ बेटा, ये रखो हमारे रूम में। एक हमारे रूम में जाता है एक टेबल के ऊपर और एक वहाँ पे लाऊंगा। अभी देखें फिर से क्या कर रहा है। दिस इज हाउ माय बेटा वॉशेस डिशेस। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन।
तो नाश्ता जो है ना बच्चों को तो मैंने बना के दिया था, और उसके ये बर्तन इसलिए इकट्ठे हुए हुए थे क्योंकि अभी रैक बर्तनों वाला उसमें भी धुले हुए बर्तन थे और डिशवॉशर में भी। तो एक दफ़ा जो रात में धोए होते हैं ना आखिरी बर्तन और वो सुबह तक ड्राई हुए होते हैं, तो उनके ऊपर फिर मैं मज़ीद बर्तन धो के नहीं रखती कि फिर वो गीले हो जाएंगे, तो कैबिनेट में रखने का क्या फ़ायदा। यहाँ पर बहुत जल्दी कैबिनेट्स में फंगस वगैरह लगने का डर होता है क्योंकि यहाँ पर ना ह्यूमिडिटी बहुत होती है, तो इस वजह से आई मेक श्योर कि सारे बर्तन ड्राई हों, किसी पर पानी ना लगाओ। तो ये वजह होती है कि फिर नेक्स्ट जो बर्तन यूज होते हैं ना वो इकट्ठे हुए जाते हैं। तो बस मैंने यही किया, अभी डिशवॉशर को खाली किया है और साथ में जो बर्तनों वाला रैक है उसको खाली किया है। कुछ सब्जियां भी मैंने मंगवाई हुई थी उनको भी सॉर्ट किया था, तो वो भी सारे जो बैग्स हैं ये हटा दूंगी। और बस सब्जियां बीट रूट वगैरह मंगवाए हुए थे, साथ में जुकीनी मंगवाई थी, मैंने सोचा कि दाल और जुकीनी पकाती हूँ, साथ में बीट रूट की रोटी बनाऊंगी तो बड़ा मज़ा आएगा सबको खाने का, इन्जॉय करेंगे सारे। तो बीट रूट जो है ना वो मैं पानी में बॉयल करने हूँ, तो ज़ाहिर आप उसके छिलके नहीं उतारते वरना सारी उसकी न्यूट्रिशन कलर सब कुछ निकल के पानी में चला जाता है। तो ये मेरे पास सिस्टमा का माइक्रोवेव स्टीमर है, ये मैंने बहुत साल पहले सऊदी अरब से लिया हुआ, मेरे पास कोई लिंक वगैरह इसका नहीं है। तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डालती हूँ और इसका ये स्टीम वाल्व ओपन कर देती हूँ और इसको फिर मैं माइक्रोवेव में रख देती हूँ 5-6 मिनट के लिए। मैं इसको स्टीम करती हूँ और ज़बरदस्त किस्म के ना ये स्टीम हो जाते हैं, तो इनका ना बिल्कुल भी इनका कलर वगैरह सारा वेस्ट नहीं होता, तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है कि बाद में फिर मुझे इनको छीलना नहीं पड़ता। ओके, आर यू हंग्री? Do you want to eat white Maggi? Yeah! Okay! मैंने इंडोमी नूडल्स ली हुई हैं, आप मैगी ले लें, जो भी आप खाते हैं, आपके बच्चे खाते हैं। इसका चूरा बना लो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। इसको मैंने ना बिल्कुल बारीक सा चूरा बना दिया है, ठीक है। तो बटर ले लिया मैंने 1 छोटा चम्मच और उसमें 1 छोटा चम्मच ही मैदा डाल दिया है, और साथ में मैं डाल दूंगी इसमें गार्लिक का पाउडर और काली मिर्च और नमक। तो इसको हम थोड़ा सा सौते कर लेंगे कि मैदे की अच्छी सी खुशबू आ जाए ना, ब्राउन नहीं करना, ठीक है। और साथ में फिर आप इसके अंदर दूध का 1 कप डाल देंगे। दूध का 1 कप डालने के बाद अभी मैं डालूंगी आपके सामने। तो इसके बाद फिर हमने सिर्फ इसको मिक्स करना है कि मैदा इसमें मिक्स हो जाए। अभी पका के हमने सॉस थिक नहीं करनी वरना मैगी पकानी बहुत मुश्किल हो जाएगी। सो इसी मतलब साथ ही दूध डालते ही ना मिक्स करते ही आप इसमें ये चूरा करके मैगी डाल देंगे। और सीजनिंग डालने की ज़रूरत नहीं, सीजनिंग हमने अपनी डाल दी है इसमें, और बच्चों को ये लाइट सी बहुत पसंद आती है। बस इसे कवर करके रख दूँगी, मज़ीद अगर ज़रूरत पड़े तो पानी डाल दूँगी। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो जो सॉस थिक हो रही होती है ना हल्की आग पर मैं इसे पका रही हूँ, तेज़ नहीं कर रही, तो ये नीचे लगने का बहुत डर होता है, तो चेक करते रहना। और ये देखें जी ये रेडी हो गई है। नॉर्मली मैगी 2 मिनट में वाकई रेडी हो जाती है, लेकिन इस सॉस के साथ तकरीबन 4-5 मिनट लग जाते हैं, बट बहुत मज़े की लगती है बच्चों को। यू लाइक इट? ओ बिस्मिल्ला, बी केयरफुल। द नूडल इज सो गुड, आई ऑलवेज कॉल इट नूडल। बीट रूट भी हैसल फ्री तरीके से स्टीम हो गए हैं, तो इसको मैं डाल लूँगी चॉपर में। आइडियली आप इनको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने दें। मैं इसको ना वीडियो में तो नहीं दिखाया क्योंकि कट कर करके दिखाते हैं, लेकिन मैं इसे बार बार खोलती रही थी कि इसकी स्टीम अंदर इकट्ठी ना हो। उसके बाद थोड़ा सा मैंने पानी डाला, तो ये देखिए मैंने इसकी पेस्ट बना दी है। अब इसको मैं आटे के साथ मिक्स कर लूँगी, तो हम बीट रूट की रोटियाँ बना लेंगे, पराठे वगैरह जो भी आप बनाना चाहें। तो वो बस सिंपल सा तरीका होता है, मिक्स करें और इन्जॉय करें। कई लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है कि बीट रूट जो है वो उसकी रोटी मीठी नहीं हो जाती। मैंने थोड़ा सा नमक भी इसमें डाला है, मीठी नहीं लगती क्योंकि आटा ज़्यादा होता है ना, बीट रूट तो थोड़ा सा होता है। बड़े ही मज़े की सॉफ्ट सॉफ्ट सी बहुत प्यारी रोटी या पराठा बनता है और टेस्ट बहुत कमाल का होता है, और बच्चे तो शौक से खाते हैं। स्पेशली आप उन्हें बता देना इसका कलर देखो, इससे आपका भी ब्लड बनेगा, बस जी बच्चे तो छोड़ेंगे ही नहीं। अच्छा खैर, अब बना लेते हैं सब्ज़ी फटाफट से। और आटा गूंद के ना मैंने रख दिया था, और यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया, उसमें ज़ीरा प्याज और तेज़पात डाल दिया है मैंने, और साथ में जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल के ना, तो इसको मैंने थोड़ा सा सौते कर लेना है। कल जब मैंने टोमेटो पेस्ट बनाई थी ना, या परसों शायद, तो उसमें से मैंने थोड़ी सी फ्रिज में रख ली थी, बाकी तो मैंने आइस क्यूब्स में जमा ली थी ना, तो ये वो वाली टोमेटो पेस्ट मैंने डाल दी है। तो ये डाल के तो बस अब हम इसकी भुनाई कर लेंगे, तो मतलब मसाला अच्छे से हमने भून लेना है। उससे पहले मैं इसमें डाल दूंगी नमक भी, लाल मिर्च भी, हल्दी भी, और बस इसकी प्रॉपर भुनाई कर लेनी है।
मसाला रेडी हो गया। अब इसमें मैं डाल दूंगी जुकीनी बारीक बारीक मैंने काटी हुई है, साथ में थोड़ा सा पानी भी डाल दूंगी। पानी डालने से ये होता है कि ज़रा सब्ज़ी ज़रा जल्दी गल जाती है, वरना अगर आप दम पे चाहें रखना इसको तो वो फिर बहुत देर लगती है। वैसे बन जाती है उस तरह भी, पर बहुत देर लगती है, तो किसके पास इतना टाइम है सच में। इसको मैंने कवर कर दिया है और बस थोड़ी देर बाद ये बन गई थी। तो इसके अंदर मैंने ये उबली हुई चने की दाल डाल दी है जिसको मैंने 100% उबाल लिया था, तो इसमें कोई कसर अब नहीं रहती थी। ठीक है, तो बस एक दो मिनट मैंने इसको मज़ीद पकाया ताकि ये दोनों वेल कम्बाइन हो जाएं, फ्लेवर्स इसके जो है ना यकजान हो जाएं। तो मैंने इसमें डाला है गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर। तो बस इसको हम मिक्स कर देंगे और हमारे ये दाल जो ज़ुकीनी है ये तैयार हो गई है। और इसके ऊपर मैंने डाल दी हरी मिर्चें लास्ट में और साथ में धनिया। ये हरी मिर्चें तो आप स्टार्ट में भी डाल सकते हैं, मैं तो मिशी की वजह से नहीं डालती, तो लास्ट में डाल के फिर मैं और शहजाद मिर्चों के साथ जो है ना खा लेते हैं, वरना तो हमारा सालन में मिर्चें ही नहीं होती हैं। बस ये रेडी हो गया, देखें कितनी माशाल्लाह अच्छी लुक आई है इसकी, कलर बहुत प्यारा आया है। और उतनी देर में फिर मुझे याद आया कि मैंने दूध भी तो मंगवा के रखा है शहजाद के लिए कॉटेज चीज़ बनाना है, तो वो भी दूध मैंने उबलने के टाइम तक रख दिया है। उतनी देर में मैं ये बीट रूट के पराठे बना लूँगी। इनको जस्ट सिंपल मैं बेल रही हूँ। और मेरे से रोटी मेकर का पूछते हैं तो ये है आइकॉन का रोटी मेकर और इसको मैं यूज़ करती हूँ। अभी तक तो बहुत अच्छा जा रहा है, आई थिंक इट्स बीन मोर देन अ ईयर, बड़ा अच्छा जा रहा है, ख़राब नहीं हुआ अभी तक। तो खैर ये रोटी को मैं बना लूँगी और मेरी फैमिली को इस पे रोटी पे फूल बने हो ना डार्क वाले तो बहुत बुरे लगते हैं। आप लोग कहते हैं कि रोटी आपकी कच्ची रह जाती है, कच्ची तो ऑब्वियसली नहीं रह जाती। जिन लोगों को रोटी जो है ना करारी मतलब क्या क्रंची खाने की आदत होती है पराठे, उनको ऐसे लगता होगा। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो लोग क्रंची पराठे खाते हैं वो सारा वक्त क्रंची चबाते रहते हैं, सॉफ्ट से मज़ेदार पराठे होने चाहिए। तो अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। एनीवेज मैंने विनेगर के अंदर डाल दी है, सॉरी दूध के अंदर डाल दिया था विनेगर। और ये देखेंगे बास्केट, ऊपर छलनी जैसी बास्केट है और नीचे उसको ना लिक्विड कंटेन करने वाला पोर्शन है। तो ये मैंने पाकिस्तान से ली हुई है, तो इसके ऊपर मैंने कपड़ा लगा दिया और छान छान के ना कॉटेज चीज़ मैं इसमें डाल दूंगी। और विनेगर जब डालते हैं ना तो फिर इसको कॉटेज चीज़ को पानी से धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने देखा जब लेमन डाल के तो दूध को फाड़ते हैं ना तो तब उसको वॉश करने की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो खटास जो है ना थोड़ी सी रह जाती है उसमें। बट विनेगर का ऐसे नहीं होता, विनेगर सारा का सारा जो है ना वो वे में रह गया और कॉटेज चीज़ में नहीं आया। तो दूसरी इसी तरह की बास्केट में पानी भर के तो ये इसके ऊपर मैंने रख दी और फ्रिज में रख दी। हाँ जी, और 8 लग रहे हैं बजे हुए और तबाही लग रहा है जी। देसी फूड, मुझे लिटरली ऐसे लग रहा है ऐसे में ढाबे पे आके बैठा हुआ हूँ। मेरे मन पसंद का कलर खाना मुझे दे दिया है। वेरी नाइस टेस्ट है। थैंक यू मिशो, एंजॉयिंग योर फूड। अच्छा तिहामी बेटे ये बताओ कि क्या सीन है, वो छुट्टियों के बाद आपको वो फिर पराठे सुबह नाश्ते में आपने लेने हैं या वो आटे की पिनियाँ बना दूँ दोबारा? पराठे खाओगे? तंग तो नहीं करोगे? हाफ हाफ करें या फुल? फुल छोटे छोटे बना दूंगी, या चलो बड़ा बना दूंगी, हाफ हाफ कर लेना। ठीक है चलो ठीक है, बोर हो गया अब आटे की पीनी से। तिहामी को मैंने पूरे महीने 1.5 फिर खिलाई है। ठीक है, मतलब आपकी चॉइस है, आटा और देसी घी होना चाहिए, आप स्विच कर सकते हो पराठे में और देसी। मिशू व्हाट डू यू वांट टू ईट? फीनी? स्मॉल पराठा। ये हम वॉक करते हुए जा रहे हैं आज, बुढ़िया थकी हुई है तो यहाँ से हम वॉक करके कॉर्निश की तरफ जाएंगे, वहाँ से चाय पकड़ेंगे, थोड़ी सी वॉक करेंगे और फिर हम वापस आ जाएंगे। क्या ख्याल है? हाँ। इवनिंग वॉक है ना? यस, मजा आएगा। गाइस आई गॉट सुपर सोनिक। मेरी है। हाँ। चलें पहले मामा का हक बनता है ना इसके ऊपर, चेक करें। ये चाय लिए, पानी मिशी के लिए, स्लश तिहामी के लिए एंड मेरा है वो कॉफ़ी, टर्किश कॉफ़ी। और ये है जी मेरा टर्किश कॉफ़ी। ये देखिए मिशी यहाँ कितना फन कर रहा है, मिशी यहाँ नीचे ऊपर से नीचे रोल कर रहा है बार 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 बार। आर यू हैविंग फन? कैन यू डू दैट अगेन? मिशी यहाँ से ऊपर जाएगा भागता भागता सोने के साथ। Show okay from here, from here. Go, go, Mishu, go. Go. Oh, look at Mishu. Oh. Wee. Are you having fun? Yeah. How much? 1,000 K.
Really? Wow. वॉक हमारी ख़त्म हो गई है और अच्छा मौसम है, हवा रुकी हुई है लेकिन प्लेजेंट वेदर है। खेल खेल के पसीने छूट गए, वैसे मौसम अच्छा था। तो चले अब हम चलते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में। विंटर व्लॉग ये वाला भी ख़त्म हो गया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।